चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि ये सरकारी सेवाएं मध्यम वर्ग के आदमी के लिए, गरीब वर्ग के आदमी के लिए वो मिलनी चाहिए और सेवा का स्तर बेहतर होना चाहिए। और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सवाल हैं आपके रोजी रोटी के, आपके जीवन के संघर्षों के, उनका कोई हल पेश ये करने वाले नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र का विकास हो। बधाई सभी कार्यकर्ताओं को देता हूँ कि जैसा अभी रंजीता जी ने बताया और आपको मालूम है कि ये मीटिंग कल शाम तक कहीं और होनी थी, जहाँ दूसरी व्यवस्थाएं थी, तैयारियां थी, और चंद घंटों में ही आप लोगों ने दोबारा वहां से तंबू उखाड़ करके यहाँ जमाया है और यहाँ के लोग जुटे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अभी इंडिया का मैच चल रहा है, मैं पहले मुझे जानकारी थी, मैं सोचता था 4 बजे से, पता लगा रास्ते में चल रहा था कि 1:30 बजे से ही चल रहा है। तो मुझे शंका हुई कि कहीं नौजवान ऐसा ना हो कि टेलीविजन के आगे जमे हो, लेकिन आप सब नौजवानों को देख के लग रहा है कि आपने पिच अपनी यही जमा रखी है और इसी पिच पे हमें बैटिंग करनी है। सवाल लोनी का है, विकास कुंज में सभा चल रही है, लोनी के विकास के सवाल है, उन सवालों का उत्तर हमें और आपको ढूंढना है। तो यही हमारी पिच है। देश में जो राजनीति है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे ज्यादा अच्छे लोगों का वास्ता नहीं रहा। मीडिया के चैनल कई गुना बढ़ गए हैं। मीडिया में पहले जब शो होता था प्राइम टाइम 7 बजे 8 बजे 9 बजे, न्यूज चैनल को लोग बड़े विश्वास के साथ देखते थे कि खबर है खबर, यानी हमें देश और दुनिया की जानकारी मिलेगी। लेकिन अब तो रंगीन चश्मे से दिखते हैं टेलीविजन पे, सबका अपना एक विचार है जो थोपे जाते हैं। पहले एक आदमी बैठता था कैमरा के सामने, अब 10 लोग अपनी अपनी छोटी छोटी खिड़कियों में होते हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। तो मनोरंजन भी हो गया, वो खबर के नाम पर मनोरंजन ज्यादा है। और वो लोग डिबेट तय करते हैं कि किस मुद्दे पे आज चर्चा होगी और किस मुद्दे पे चर्चा होगी कि बाहर से चीता आया है वो गर्भवती है। यहां माथे पे लक्ष्मी और यहां माथे पे जो है गणेश जी की फोटो लगा दें केजरीवाल जी। ये इसी तरह की अनाप शनाप बातें, आपका कोई वास्ता इससे नहीं है। देखते रहिए उन खबरों को और उन विषयों पर अगर आप को ज्यादा गंभीरता से उन्हें ले लोगे तो आप अपनी वोट खो दोगे। वोट आपके जमीनी मसलों पे होनी चाहिए। सभ्य समाज के लोग जानते हैं कि तरक्की कैसे होगी। पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी पहचान का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमें अपने समाज को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत है। बिना शिक्षा के तो उच्च शिक्षा के, अच्छे स्तर के शिक्षा के हम अगली पीढ़ी को तैयार नहीं कर सकते। मैं जब गांव में जाता हूं तब भी बात करता हूं, वहां भी लोग इस बात को समझते हैं जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहां जमीनें घटती जा रही हैं खेती की और गुजारा नहीं हो पा रहा। और यहां शहर में आके भी मैं कह रहा हूं क्योंकि लोनी तो वैसे ही तंग शहरी क्षेत्र है, नाम में आप बहुत बड़ा शहर हो, नगर पालिका है आप, दिल्ली के बिल्कुल समीप है, राजधानी से सटा हुआ इलाका है, NCR क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन यहां आके ऐसा लगता नहीं, महसूस नहीं होता कि एक ताकतवर देश के, लोकतांत्रिक देश के, उभरते हुए देश के, राजधानी से सटा हुआ इलाका लोनी क्षेत्र का ऐसा अस्तित्व। ये बहता नहर इतनी सुंदर, मैं इसके जल स्तर को देख के आया हूं, वाह 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 क्या बहाव है। और कुछ कहने की बात रह गई क्या? जलवायु प्रदूषण हमारे लिए घातक है। अब इसका दोष तो कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ किसान को जाए, लेकिन अगर आपने यातायात के साधन जनमानस के लिए तैयार नहीं किए, सार्वजनिक यातायात पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई विकल्प ही लोगों पे नहीं है, तो क्या करेंगे? वो अपनी मोपेड चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तेल फूकेंगे।
अब आप बताइए यूपी रोडवेज की कोई हालत है कि रास्ता बसें बिल्कुल चलने लायक नहीं, रास्ते चलने लायक नहीं। यहाँ एनएच है दिल्ली सहारनपुर रोड, और यहाँ के सांसद हैं बहुत ताकतवर हैं जनरल वीके सिंह जी, बहुत बड़े मतों से आप उनको जिताकर भेजते हो। बल्कि पिछली बार तो चर्चा ये चली थी कि मोदी जी से ज्यादा उनका मैंडेट बड़ा मिल रहा था और उनकी काउंटिंग बंद करा दी गई थी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। ये अफवाह चली, चर्चा चली थी कि इनकी काउंटिंग बंद करा दी वरना उनके ज्यादा मत आ रहे थे। तो इतना विश्वास आपने उनको दिया, ताकत आपने उनको दी, और केंद्र में मंत्री है परिवहन विभाग के, राज्य मंत्री का दर्जा उनको है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली सहारनपुर रोड जो आपके इस जनपद से होके जाती है, क्या वह आपको लगता है कि नेशनल हाईवे है? शिक्षा की बात मैंने छेड़ी, यहां महिलाएं अच्छी संख्या में आई हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे लगता है कि यहां लड़कियों का डिग्री कॉलेज भी नहीं होगा। यहां 500 बेड का कोई सरकारी अस्पताल भी इतनी बड़ी आबादी के बीचों बीच आपको नहीं मिलेगा। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि ये सरकारी सेवाएं मध्यम वर्ग के आदमी के लिए, गरीब वर्ग के आदमी के लिए वो मिलनी चाहिए और सेवा का स्तर बेहतर होना चाहिए। लेकिन आप सरकार को देखो तो सरकार सब कुछ बेचना चाहती है, खुद पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, चाहती है कि पार्षद भी जो आप मोदी जी की तस्वीर देख के वोट दें, जिला पंचायत सदस्य भी मोदी जी की तस्वीर चिपका के वोट लेंगे, सारे विधायक इनके होने चाहिए, सारे सांसद इनके होने चाहिए, सरकार इनकी नहीं है तो सरकार गिरा के इनकी बन जानी चाहिए। तो अपनी ताकत बढ़ाने में और बटोरने में कोई कमी कोई कसर नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपका खूब आना जाना रहा, आपने देखा उनकी कार्यशैली को, ये पगड़ी वाले बैठे हैं, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे किस्सा सुनाने लगे चौधरी साहब का, ये 2 मिनट इनको मिले उनको याद आ गया चौधरी साहब मुझे बताया। जब आप उनको 12 नंबर तुगलक रोड पे मिलने जाते थे वो किस मुद्रा में आपको मिलते थे? वे नीचे जमीन पे बैठ के अपने मेज पे या तो कुछ लिख रहे होते थे या पढ़ रहे होते थे, ये उनका स्तर था। वो काम पे निरंतर जमीन पे बैठ के वो काम कर रहे होते। मुझे पुराने लोग बताते हैं कि वे पसंद नहीं करते थे कि क्षेत्र के लोग इतना दूर चल के बार बार आए, वो पूछते थे क्यों आए हो, क्या मसला है, और अगर कोई कह दे जी मैं तो ऐसे ही आया तो कभी कभी डांट पड़ जाती थी, इतना खर्चा क्यों किया तुमने। और लोग कहते हैं कि जैसे वो कमरे में गए उनसे मिलने और उन्होंने ये ऐसे आंख उठाकर उनको देखा तो आदमी समझ जाता था आज शायद डांट पड़ने वाली है, इतनी व्यस्तता होती थी। लेकिन आज आप देखो हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री घंटों पूजा पाठ करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी इतना समय है कि दिन में 5-6 बार तो कपड़े बदलते हैं, प्रचार रुकता ही नहीं है। आपदा में अवसर बनाओ, आपदा को भी अवसर बना दिया, और इतना प्रचार करते हैं, इतना प्रचार करते हैं। मुझे बड़ा ताजुब हुआ कल प्रधानमंत्री का बयान सुना, मैं कहा कि मैं चाहता तो मैं अपनी तस्वीर छाप देता चारों तरफ, मैं भी विज्ञापन दे सकता था अपनी तस्वीर के साथ। अनाज के बोरी पे इनकी फोटो लग रही है, आपने टीका लगाया उस सर्टिफिकेट पे देश में किसी दुनिया में किसी देश ने ऐसा नहीं किया, आप टीका लगा रहे हो वो सर्टिफिकेट पे मोदी जी की तस्वीर लग रही है। इन्होंने अपनी तस्वीर छपवाने में कोई कसर छोड़ी, खर्चा करने में कसर छोड़ी है? खूब रौनक रहती है इनकी, फिर भी आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हम तो बड़े सीधे साधे आदमी, गरीब आदमी, झोला उठा के फकीर आदमी चल पड़े। तो ये सब मार्केटिंग है, ये सब मार्केटिंग है। और जब जब आप प्रयास करोगे सवाल पूछने का, वित्त मंत्री महिला हैं, अभी आपने रंजीता जी को सुना, बेबाकी से अपनी बात रखी, वित्त मंत्री जी भी रखती हैं, लेकिन अपनी बात कहने में वे सक्षम है। लेकिन जब आप उनसे कोई सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया महंगाई हो रही है, जवाब मिला कि मैं प्याज नहीं खाती। आज भारतीय रुपये धराम से गिर रहा है। आप सरकार से अगर पूछोगे क्या हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था चौपट क्यों हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही,
जवाब मिलेगा अक्कड़ बक्कड़ बुम्बे बो 80-90 पूरे 100, 100 से निकला धागा चोर निकल के भाग, को मतलब नहीं है, सुन लो मनोरंजन होगा, तुकबाजी होगी, आपको अच्छा लग सकता है, बात अच्छी लग रही है, मुस्कुरा रहे हो बात सुन के क्योंकि बचपन की यादें हमारी, लेकिन कोई मतलब तो नहीं है इसका, कोई सार नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। तो ये लोग आपको उलझा के रखेंगे और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सवाल हैं आपके रोजी रोटी के, आपके जीवन के संघर्षों के, उनका कोई हल पेश ये करने वाले नहीं। 2015 में, और हम भूल भी जाते हैं, हमारी जनता इतनी भोली भाली है, हम तो खुद ही भूल जाते हैं, हमें खुद याद नहीं हमने 5 साल पहले वोट काहे को दी थी, और क्या पूछे। 2015 में मोदी जी ने कहा था देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी मिशन, और अटल जी के नाम से भी शहरी विकास की योजना उन्होंने बनाई है। उन्होंने कहा था 5 साल में देश में 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे। आपने कोई जाके देखा है कोई स्मार्ट सिटी? अब तो 7 साल हो गए, 2022 तक किसान की आय दुगनी होनी थी, और तो और ताली और थाली बजाकर 2 हफ्ते में कोरोना भी खत्म हो जाना था, लोग सब भूल गए। ताली थाली कितने ने बजाई थी? शर्म मत महसूस करना, हाथ उठा के बताओ ताली थाली बजाई थी। तो ये हमारी मासूमियत की निशानी है। मैं नहीं चाहता आपका भलापन ऐसा ही रहना चाहिए, आप हमारे हो, हम लोग एक परिवार के हैं, मेरी जवाबदेही आपसे है, मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र का विकास हो, तरक्की हो। यही काम को लेकर चौधरी अजीत सिंह जी इतने व्यस्त रहते थे, 24 घंटे चिंता करते थे, बहुत कम वो सोते थे, सुबह सुबह उठ के इसी पे लग जाते थे काम। तो हमें और आपको भी मिलकर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं लोकदल की एक पहचान है पुरानी, उस पहचान को आप मजबूत करें, और जैसा अभी अहमद ने कहा बात तो सही कही, अभी 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तीसरी जगह भी 1 महीने पहले उसको सजा मिल गई थी जिस विधायक को, वहां चुनाव नहीं होने दिया उन्होंने, और कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा था। लेकिन आज हो, अगले हफ्ते हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, चलो 3 महीने दे दिए, हमें भी ज्यादा समय मिल रहा है तैयारी करने का। और यहां भी मुजफ्फरनगर के खतौली के बहुत लोग रहते हैं लोनी में, मैं आपसे भी कहूंगा आपको या नगर पालिका पे भी नजर रखनी है, और जब भी उपचुनाव घोषित होगा खतौली पे भी नजर रखनी है, और ऐसा काम कर देना यार लोनी में और खतौली में कि जब भाजपा वाले चुनाव बाद आए उन्हें कहना भाजपा वालों तुम हारे नहीं, विपक्ष जीत गया, लोकदल जीत गया, तुम हारे नहीं हो। जैसे रुपया गिर नहीं रहा वो तो डॉलर बढ़ रहा है, वैसा ही जवाब आप उनको दे देना। और हालात ऐसे हैं कि अभी मनोज जी बता रहे थे संघर्ष तो बहुत किया है, आप सबने संघर्ष किया, संघर्ष के रास्ते ही आगे अच्छे दिन हमें आएंगे, विश्वास कीजिए। और मैं यही कहूंगा कि पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ बागपत से जुड़ा होता, वो अभी कह रहे थे हमारे विधायक जी मदन, और हम लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा रहता, कुछ हमारी भी कसर कमियां रही हैं और उसको भी मैं दूर करना चाहता हूँ। और आप भी ऐसा काम करो, हमें ये तय करना है कि हम कैसी सत्ता चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं। आज जो लोग हैं आपको लड़ने और लड़ाने भड़ाने की बात करते हैं और कुछ नहीं इनके पास एजेंडा, हम लोग भाईचारा की बात गांव में करते आए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे, आपने भी गांव के जीवन को देखा है परखा है, उस जीवन को आप अच्छी तरह समझते हो, वहां क्योंकि सदियों से बसावट है, एक दूसरे को अच्छी तरह लोग जानते हैं, वे भी लोग पुरानी परंपराओं में बंधे हुए हैं, वहां कभी सांप्रदायिक हिंसा आसानी से होती नहीं। आप तुलना करेंगे शहरी क्षेत्र में, यहाँ बहुत चंद मिनटों में अफवाह बन जाती है, पड़ोसी पड़ोसी को जानता नहीं है, और यहाँ किस पहचान को लेकर आप अपने आप को व्यवस्थित करो, कोई गाजियाबाद से आया है, कोई मूल निवासी है, कोई मुजफ्फरनगर से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई पूर्वांचल से आया है, तो आपकी पहचान क्या है?
और ऐसे माहौल में दूसरे लोग आते हैं कहते हैं भाई हिंदू, हिंदू की पहचान आपकी पहचान है, या मुसलमान खतरे में है मुसलमान बन जाओ, धर्म की इबादत भी करो धर्म की रक्षा भी करो और लड़ो भी। तो ऐसे लोगों से भी जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है ऐसी विचारधारा से भी हमें आपको नुकसान होता है, क्योंकि हम अपने मुद्दे भूल के उसमें लग जाते हैं। इसलिए भाईचारे की बात जितना हमारे कार्यकर्ता गांव में जाके कहते हैं, हमें जरूरत है कि शहरी क्षेत्र में भी हम उस संस्कार को बढ़ाने का काम करें, और लोकदल का हर एक कार्यकर्ता इस काम के लिए तैयार है। कोई भाईचारे की बात नहीं करता, और मैं कहता हूं कि जब भाईचारा जिंदाबाद का नारा लोकदल का कार्यकर्ता लेगा, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनको तो साफ सुन जाता है, वे गली से अपने आप लौट जाते हैं कि यहां हमारी दाल गलने वाली नहीं। तो भाईचारा जिंदाबाद का नारा है हमारा, इसे मजबूत कीजिए। आज यहाँ क्राइम बहुत बड़ा इशू है गाजियाबाद में, लोनी में, और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जी योगी जी आए तो क्राइम घट गया। घटा नहीं, गैर कानूनी तरीके से कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। आपने लोगों के बेवजह पोस्टर छपवाए, पूरे प्रदेश में लगवाए, हाईकोर्ट ने कह दिया गैर कानूनी है, बिना कोई इत्तला दिए, बिना कोई सुनवाई किए, बिना कोई नोटिस दिए आप लोगों के विपक्षी लोगों के घर बुलडोजर भेज सकते हैं क्योंकि आपकी सरकार चल रही, लेकिन यह भी गैर कानूनी है। गैर कानूनी तरीके से आप किसी भी नागरिक के मन में, किसान के मन में, व्यापारी के मन में, मजदूर बेरोजगार नौजवान के मन में कानून का सम्मान स्थापित नहीं कर सकते, कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते। उसके लिए तो सामाजिक संस्कार हमें पैदा करने पड़ेगा। तो हर मोर्चे पे आप देखोगे तो कोई परफॉर्मेंस इनकी नहीं है। सबसे महंगी बिजली आपको मिल रही है, भर्तियां सही नहीं हो रही है। मैं देख रहा था अभी एक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो सत्ताधारी दल है और केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 69,000 जो भर्ती हुई शिक्षक भर्ती, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार पे उन्होंने आरोप लगाया, कहा इन्होंने भ्रष्टाचार किया, गरीब लोगों को दबाया गया, पिछड़े वर्ग के लोगों को वहां नौकरियों में उनकी गिनती नहीं हो पाई। ये बात मैं नहीं कह रहा, सरकार में बैठे लोग शामिल बैठे लोग कह रहे हैं। तो नौकरी नहीं दे रहे, एक नौकरी थी जिसके लिए हमारे लोगों का आरक्षण एक आकर्षण था, वे आर्मी की नौकरी, आर्मी की नौकरी। और ये जो राष्ट्रवादी बनते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इनके मुंह पे दही जम गई। जब आर्मी की नौकरी जो हमारी स्थायी नौकरी होनी चाहिए, उस नौकरी को भी 4 साल का भद्दा मजाक आपको थोपा गया है। ये इस योजना की मांग कोई नहीं कर रहा, और आप किसी बड़े जनरल से बात कर लो या किसी जवान से बैठ के बात कर लो, सब एक राय के हैं, सब कहते हैं खराब हो रहा है, गलत योजना है। लेकिन क्या करें साहब, बाहर इस बात को हम कह नहीं सकते, लेकिन लोकदल का कार्यकर्ता कह सकता है। हमारी एक लौती अकेली पार्टी है जिसने अग्निवीर के खिलाफ पंचायत करी, जगह जगह गए, लोगों को बताया, लेकिन आज भी बेकसूर नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। क्यों? क्यों वो आक्रोश में आए, वो सड़कों पर कैसे आ गए, उन्होंने सरकार की आलोचना कैसे कर ली, आज भी मुकदमा सह रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि इन नौजवानों को बख्शो, इन नौजवानों पर रहम करो, इन्हें नौकरी की व्यवस्था ने दो। ये खुद जानते हैं, अपने दो पावों पे खड़ा होना जानते हैं, ये आत्मनिर्भर हैं, इन्हें ज्यादा कुछ आपसे नहीं चाहिए, लेकिन इन नौजवानों की इज्जत करना सीखो। मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे दल को मजबूत करेंगे। मनोज जी ने खूब मेहनत करी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि मदन जी रहे हैं, और जैसा कि खतौली में हो रहा है, मुझे लगता है कि आप सब चाह रहे हो कि यहाँ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ के विधायक ने भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। हमारे परवेज मियाँ हैं, साहब सिंह जी के बेटे, उनके साथ क्या गुल खिलाए दिल्ली में जाके, आपने सुनी ही बातें, क्या ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हो आप? अगर इस देश में कानून का काम हो, ईमानदारी से कोर्ट अपना काम करें, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हफ्ते तो 2 हफ्ते में यहां भी जो उपचुनाव घोषित हो जाएंगे, लोनी में भी आपको दोबारा मौका मिल सकता है। तो नफरत की खेती करने वालों का अंत है, और इसलिए
किसान का मेरे वर्ग को मजबूत किया जाए, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत किया जाए और लोनी के विकास और लोनी के तरक्की के रास्ते पे हम लोग लोनी के जनता के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल चौधरी जी भी आए हुए हैं, मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत कर